तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल कोर्स को, और सबसे पहले हम बात करेंगे फाइल मेनू बार। तो ये हमारा फाइल मेनू बार है, और जैसे मैं बताया था आपको कि हम मेनू बार के हिसाब से स्टडी करेंगे, तो हम फाइल मेनू बार पे आते हैं और सबसे पहला आपका होम आता है, राइट। तो होम क्या है, होम में आपके पास है न्यू वर्कबुक और यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स। टेम्पलेट क्या होता है हम आपको थोड़ी देर बताते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे जो रिसेंट फाइल्स है, तीन कैटेगरी है, रिसेंट में, पिंक में और शेयर विद मी। अब तीनों को समझिए क्या होता है। आपका यहाँ पे रिसेंट जो आपने रिसेंट ओपन किया या क्रिएट किया है उसका लिस्ट आएगा पिंक, मतलब कि जो फाइल को आप बार बार ओपन करते हैं तो हर बार आपको यहाँ पे आपकी आवाज ना बार बार रुक रुक के आ रही है। हेलो, हाँ बहुत सर, आवाज बहुत रुक रुक के आ रही है आपकी। एक अभी ठीक है, अभी तो ठीक है। जब आप बोलते हैं ना पूरी लाइन तो आगे लाइन कट जाती है, उसके बाद 2 सेकंड बाद समझ में आता है। तो जैसे कि हम यहाँ बता रहे थे कि हमारे पास रिसेंट है, पिंग है और शेयर। तो जो यहाँ पिंग है एक रिसेंट जो आपने आवाज उसके लिस्ट है, और पिन होता है मतलब कि जो फाइल हम बार बार ओपन करते हैं उसको हम पिन कर लेते हैं। क्यों, ऐसा क्यों जरूरत पड़ती है? तो जो रिसेंट में जो फाइलें होती है ये लिमिटेड होती है। जैसे यहाँ पे देखिए पैन फॉर्म है, अब मैं एक फाइल और ओपन करूंगा तो हमारा यहाँ पे पैन फॉर्म को हटा के वो फाइल आ जाएगी, नीचे घसर जाएगी, और ये यहाँ पे लिमिटेड होता है। तो जो फाइल हमें बार बार ओपन, मान लीजिए मुझे इसको बार बार ओपन करना है तो यहाँ पिन का सिंबल है, मैं पिन कर देता हूँ। पिन करने से क्या हो गया, और पिन रहता है तो मैं यहाँ से इसको इजीली ओपन कर सकता हूँ। तो क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे फाइल होती है, जैसे मास्टर डेटा हो गया, डैशबोर्ड या रिपोर्ट सैंपल, वो एक लोकेशन में पड़ी होती है और हमें उसको बार बार ओपन करना पड़ जाता है। तो होता क्या है कि रिसेंट में हो तो क्लिक करते ओपन हो जाता है, लेकिन अगर किसी फोल्डर से ओपन करना हो तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करता है। तो टाइम कंज्यूम ना करे इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको पिन कर देते हैं। तो यहाँ ओपन में जब आएंगे तो आपको और भी बड़ा लिस्ट दिखेगा, 50 से ऊपर फाइलों का लिस्ट यहाँ दिखेगा पिन में। यहाँ होम पे आपको 8 या 10 का लिस्ट मिलता है, और यहाँ पिन में आपको, यहाँ ओपन में आपको 50 के आसपास का लिस्ट मिलता है यहाँ पे। और होम में यहाँ पे 3 तरह से कैटेगरी किया गया है, रिसेंट, पिन एंड शेयर विद मी, मतलब कि कोई ऐसा जो फाइल आपको शेयर किया गया तो आपकी फाइल ना। तो यहाँ पे और ओपन में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे पिन जो है सबसे टॉप पे आता है, उसके नीचे आपके जो रिसेंटली ओपन फाइल आता है, इसके बगल में फोल्डर होता है, तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर फोल्डर पे डायरेक्टली जा सकते हैं। न्यू पे अगर बात करें तो न्यू पे यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक जनरली हम लोग लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपके बहुत सारे टैबलेट्स होते हैं जिसको यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला गया है और बैलेंस शीट आपको नहीं पता है कि क्या होता है, तो आप बैलेंस शीट शीट ऐसे कुछ सर्च करें तो यहाँ पे आपको लिस्ट आ जाएगा। और ये लिस्ट इंटरनेट से आता है, तो उस समय जिस समय सोर्स सर्च करते हैं उस समय इंटरनेट होना जरूरी है। अब इसको डाउनलोड करके आप उसको यूज कर सकते हो, उसमें जो जो चेंजिंग करना है चेंजिंग कीजिए एंड यूज कर लीजिए। लेकिन बात आती है ये तो बने बनाए टैम्पलेट्स, हम टैम्पलेट्स कैसे बनाए और क्यों बनाए? तो विक्रांत गुप्ता जी, जब भी हम फाइल को सेव एज करते हैं, जब भी हम अपने फाइल को सेव एज करते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं आप, कल वाली रिपोर्ट को आप ओपन करते हैं, उसको सेव एज करते हैं आज के डेट से, और फिर कल वाली पूरी डेटा को क्लियर करके आज का नया डेटा आप ऐड करते हैं। तो कुछ ऐसा हो क्या हमेशा आपको ब्लैंक रिपोर्ट मिले जिसमें डेटा डिलीट किया हो, जैसे आपको डेटा फिल करना, तो उस तरह की चीजें बना सकते हैं। चलिए एक छोटा सा हम यहाँ पे बनाते हैं। तो हमने सिलेक्ट किया डेटा को और यहाँ पे मैं देता हूँ डेली सेल्स ट्रैकर, एक
कैसे किया देखिए, ध्यान से देखिए, हमने एक हेडिंग डालना है तो एक एरिया को सिलेक्ट और यहाँ से मर्ज कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर अपना टाइप किया डेली सेल्स ट्रैकर। उसके बाद साइज बढ़ाने के लिए यहां से हमने अपना साइज बढ़ाया। तब यहाँ पर टाइप भी कर सकते एग्जैक्ट साइज, लेकिन आपको देखते हुए करना है कौन कितना चाहिए, तो यहां से क्लिक करेंगे, इससे बड़ा होता है और इससे छोटा होता है। उसके बाद मैंने यहां से अंडरलाइन कर दिया, इसके अंदर अंडरलाइन चला गया, ए अंडरलाइन का ऑप्शन होता है, सिलेक्ट कीजिए और अंडरलाइन कर दीजिए। फिर मैंने यहाँ पे डेट डाला और मैं यहाँ पे लोकेशन डाल दिया। अब यहाँ पे क्या है कि टाइप करना या लिखना है, तो हमने एक एरिया सेलेक्ट करके, यहाँ बॉर्डर होता है तो यहां से मैं अंडरलाइन वाला बॉर्डर सिलेक्ट कर, इधर दो है तो दो कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं सीरियल नंबर गई तो आवाज आ रही है आपको? बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, मतलब वो आप एक लाइन बोलते हैं तो बहुत रुक रुक के आ रही है। मेरे आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मीटर तो बिल्कुल चल रहा है। नहीं, वो अभी आ रहा था ना कि योर इंटरनेट इज अनस्टेबल, ये आपको दिखा रहा है सर, आपका इंटरनेट में प्रॉब्लम है। मेरे इंटरनेट में तो मेरे तो फुल फ्लेज आ रहा है। आपको दिखा रहा है, मुझे मेरा प्रॉब्लम है तो मुझे दिखाता ना सर। नहीं, मेरे आप स्क्रीन क्या था ये बोल रहा हूँ मैं, आपका इंटरनेट स्पीड जो है थोड़ा सा स्लो है, देखिए सही है। एक सेकंड रुको सर, फिर मैं, हाँ मैं भी चेंज करता हूँ, हाँ एक सेकंड रुकिएगा फिर देखता हूँ, एक सेकंड बस, हाँ मैं भी वो चेंज करता हूँ, उन्हें तो नहीं चाहिए वैसे कहते हैं। अभी भी मैं देखता हूँ अगर हो जाएगा तो, क्योंकि जनरली होता नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक दिखाता है, दिखा रहा था मेरा भी अब। आ रही है अभी भी आवाज, सब अभी आवाज आ रही है आपको ठीक ठाक? आपकी आवाज तो मुझे आ रही है। हाँ मैंने अब चेंज किया है, देखता हूँ चला के, ठीक है। हाँ जी सर, अब ठीक है सर, आवाज मेरी? हाँ आपकी आवाज ठीक है अभी। तो यहाँ पे हमने नेम, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे हमने क्रेडिट एंड बैलेंस फॉर्मेट डाल देता हूँ, सीरियल नंबर वन, और हमने क्या किया इक्वल ऊपर वाले सीरियल नंबर में प्लस वन कर दिया, नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग कर दिया। और बैलेंस के लिए ऊपर में मैंने बोला क्रेडिट माइनस डेबिट, और नीचे में मैंने बोला कि बैलेंस प्लस क्रेडिट माइनस डेबिट, और नीचे तक इसको ड्रैग, और इसको सेलेक्ट करके मैं इसका बॉर्डर लगा देता हूँ। अगर पीछे से वो पूरे सेल हटाने तो कौन सा बॉर्डर लगाते हैं? नो बॉर्डर कर देते हैं क्या? क्या बोले क्या लगाने के लिए? पीछे जितने भी सेल आ रहे हैं ना, जो भी लाइनें आ रही है वो हटानी है अगर सपोज बिल्कुल पेज करना हो। पेज लेआउट के अंदर में होता है, अच्छा, लाइन व्यू को अनचेक कर, अच्छा अच्छा ओके 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 पेज लाइन में ओके। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ टोटल, यहाँ पे अथराइज वाई, और यहाँ हमने इसको ये लाइनिंग दे दिया, ये और यहाँ पे कर दो चेक वाई। थोड़ा सा फॉर्म हमने तैयार कर लिया। अब मुझे अब इस पे मुझे डेली काम करना होता है, मान लीजिए तो मुझे करना होता है डिटेल को फिल करना होता है, इस जो डिटेल्स सारे डिटेल्स को फिल करना, उसकी प्रिंट आउट निकालना होती है। तो हर दिन मुझे क्या करना होता है कि अपना फाइल को सेव एज करना होता है, और फिर जो पहले से डेटा था उसको डिलीट करके, और फिर उसके ऊपर अपना बाकी डिटेल को डालना।
तो हमने क्या किया कि फर्स्ट टाइम इस फाइल को सेव एज किया, और सेव एज करते समय यहां जहां पे डिफॉल्ट आपका एक्सेल वर्क बुक होता है, एक्सेल वर्क बुक होता है, उसके जगह पे हमने यहां पे एक्सेल टेम्पलेट ले लिया, अपना एक लोकेशन चूज किया, अपना नाम चूज किया और हमने इसको अरे कैश के नाम से मेरा सेव हो गया। अब मैं दोबारा इसको अगर मान लीजिए ओपन करता हूं, तो जैसे आप कोई नई फाइल ओपन करते हैं तो बुक वन, बुक टू, बुक थ्री ऐसे ओपन होता है, ऐसे यहां पे देखिए कैश वन ओपन होगा, कैश वन, कैश टू, कैश थ्री ऐसे ओपन होगा, हमेशा आपको ब्लैंक दिखेगा। जैसे कुछ चेंजिंग करके आप सेव करेंगे, ये आपका सेव नहीं सेव एज होगा, मतलब कि हर बार आपका जो ओरिजिनल फाइल है वो हमेशा आपका ब्लैंक रहेगा, ब्लैंक फॉर्मेट आपको मिलेगा, कैश वन, कैश टू, कैश थ्री इस तरह से। तो आप क्या कर सकते हैं कि डेली बेसिस पे जितने भी रिपोर्ट तैयार करते हैं सबका आप इस तरह से टैबलेट तैयार कर दे, तो इससे आपको फायदा ये होगा कि आपका जैसे रिपोर्ट कई तरह का होता है ना, एक होता है आपका डेली रिपोर्ट, ये होता है कि डेली में दिन में दो बार भेजते हैं मॉर्निंग इवनिंग, फिर आता है दिन में एक ही बार जाता होगा, कुछ ऐसे रिपोर्ट का होंगे, कुछ रिपोर्ट वीकेंड्स में जाते हैं, कुछ रिपोर्ट मंथ एंड में जाते हैं, कुछ रिपोर्ट ईयरली जाते हैं, तो ऐसे सारे रिपोर्ट्स का एक टैबलेट बना के एक फोल्डर में आप रख दें, ताकि आपको आइडिया रहेगा कि किस दिन क्या रिपोर्ट बनाना है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि टैम्पलेट बना दिया, उसको मैंने यूज किया, उस पर डेटा डाला, उसको सेव एज कुछ और कर दिया, एंड देन नेक्स्ट डे फिर दोबारा सैंपल टैम्पलेट खोला जो ब्लैंक आया, फिर उस पर काम किया है ना, फिर उसको सेव एज करके। ठीक है, ऐसे करने के पीछे एक रीजन है, मैं आपको एक अपने ऑफिस की स्टोरी सुनाता हूँ। क्या हुआ था कि हमारे जो मेरे जो एचओडी थे वो कुछ दिनों के लिए लीव पे चले गए थे, करीब एक दो महीने की वैकेशन पे गए थे किसी काम से, तो उनके जगह पे मुझे किसी और को रिपोर्ट भेजनी होती थी, तो रिपोर्ट का एक हिस्सा था जैसे मान लीजिए बैलेंस ही, तो उन्होंने बोला कि मुझे बैलेंस दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं किसी और लोगों को भेजता हूँ, वहां पर उनको बैलेंस नहीं चाहिए, तो मुझे कल से रिपोर्ट में बैलेंस मत भेजना, राइट। तो मैंने उनको कल के बाद रिपोर्ट को बैलेंस भेजना बंद कर दिया, फिर हमारे बॉस जो हमारे जो एचओडी थे वापस आ गए, हमको रिपोर्ट करने लगे। अब डेढ़ दो महीने बाद उन्होंने अचानक रिपोर्ट कुछ दिनों तक तो गौर नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद गौर किया, बोला कि मेरी रिपोर्ट में बैलेंस क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं रिपोर्ट चेंज क्यों कर दूं। अब यहां पे मसला हो गया कि अब मैं भूल गया कि बैलेंस कैसे डिलीट हो गया, फिर मैं बैक टू बैक एक एक दिन पीछे का रिपोर्ट देखता गया कि किस दिन में चेंज हुआ है, तो पता चला कि जिस दिन मैंने बॉस नहीं थे उन्होंने बताया था चेंज हुआ। मतलब क्या हुआ कि हम आज की रिपोर्ट कल करके रिपोर्ट परसों की रिपोर्ट तरसों ऐसे हम यूज करते चले गए, तो आज जो रिपोर्ट चेंज हुआ वो कंटिन्यू चेंज होता चला गया। हाँ, समझ गया, समझे ना। हाँ जी सर, ये अभी आपने बताया था पिन करना, अब इस फाइल को अगर मुझे पिन करना हो तो कैसे करूंगा, वहां पर जाके बस पिन। सिंपल सी बात है, आप एक फाइल को ओपन कर लें, ओपन आएगा और यहाँ पिन दिख रहा है आपको, बस क्लिक कर। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो टेम्पलेट का इन्फॉर्म, आप टेम्पलेट समझ में आ गया, टेम्पलेट होता क्या है? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आ गया सर। एक चीज और बता दीजिए इसमें, जैसे जो आपने इसमें ड्रैग किया था ना, जैसे वन के बाद टू लिखने के बाद नीचे ड्रैग किया था, इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है, मतलब कुछ हो सकता है इसका शॉर्टकट? देखिए शॉर्टकट इसका नहीं होता, जैसे आपने डिलीट कर दिया, मुझे मान लीजिए कि मुझे इस पे प्लस वन कर दिया आपने फॉर्मूला, ठीक है। हाँ, अब मुझे फॉर्मूला को नीचे तक चाहिए तो मैं सिलेक्ट कर लूंगा फॉर्मूला को भी और नीचे ब्लैंक को भी, और कंट्रोल डी कर दीजिए डाउन चला, डी कंट्रोल डी, सॉरी पहले की सुनी, इससे पहले क्लास से मैंने आपको शॉर्टकट लिस्ट दिया ना सर? नहीं, बताया था ना कि हेल्प से शॉर्टकट ले लीजिएगा। अच्छा हाँ, वो वाली पर मेरे में उसमें ना आ नहीं रही है शॉर्टकट सर, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा वो मेरी प्रॉब्लम है। मैं शॉर्टकट यूज नहीं करता हूँ, थोड़ा बहुत जनरली यूज कर लेता हूँ, बाकी सारा काम मैं माउस से ही करता हूँ, क्योंकि आपको उसका इफेक्ट पता चल सके ना सर। ओके, कीबोर्ड को पता नहीं चलेगा मैंने क्या किया, ये माउस से तो पता चला कि मैंने क्या किया। Okay. तो हेल्प से निकाल लीजिएगा, नहीं होगा तो मैं, मेरे पास लिस्ट होगी तो मैं आपको मेल कर दूंगा।
हाँ जी वो लिस्ट मेल कर दीजिएगा सर, क्योंकि मेरे ना हेल्प का ये चल नहीं रहा है इस वाले में। आपने कहा था ना 365 भेजेंगे, तो वो भी भेजा नहीं चला आपने, तो मेरे पास जो ट्रायल वर्जन है तो उसमें ये चीजें F1 ज्यादा हेल्पफुल नहीं है। ठीक है सर, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें अब बात करते हैं अगले टॉपिक से। तो फाइल मेनू बार के बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास हमने ओपन न्यू और ये चीज कर लिया, उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है फाइल से रिलेटेड, फाइल से रिलेटेड की प्रॉपर्टीज वगैरह जो है इसके बारे में। अब बोले सर इससे क्या फायदा होता है, चलिए इसके भी एक फायदे बताता हूँ। अब जैसे कि आपके फोल्डर में कई सारे फाइल पड़े हुए, जैसे मान लीजिए यही फाइल पड़ा होगा, अब इस फाइल के अंदर क्या डेटा है जब तक मैं इसको ओपन नहीं करूंगा तब पता नहीं चलेगा ना सर जी। क्या हाँ जी, क्या किया इसके ऊपर राइट क्लिक किया और इसकी प्रॉपर्टीज में चले गए, प्रॉपर्टीज के देखिए यहाँ डिटेल्स होता है, डिटेल्स में हमें टाइटल लगा दिया, बोल दिया कि दिस इज पावर बीआई सैंपल, सब्जेक्ट में दे दिया क्लास, ठीक है सर, और टैग में भी देता हूं मैं, यहाँ पे मैं टैग में देता हूं टैग क्या होता है, कीवर्ड्स बोलते हैं। आप गूगल पे सर्च करते हो, जब भी सर्च करते हो तो जरूरी थोड़ी कोई हर कोई एडवांस एक्सेल ही सर्च करेगा, कोई एक्सेल कोर्स सर्च करेगा, कोई आईपीटी इंडिया एक्सेल कोर्स सर्च करेगा, कोई मेरा नाम सुजीत कुमार सर्च करेगा, तो जो ये हमें कीवर्ड्स में, तो इन फ्यूचर में अगर आप इसका एग्जैक्ट नाम भूल जाते हो तो ये कीवर्ड्स जो आपने दिया हुआ इससे सर्च करने पे आ जाएगा। अच्छा, मैंने अप्लाई किया एंड ओके किया, जैसे मैं यहाँ पे अगर सर्च में जाऊं और मैं यहाँ ज्वाइन सर्च करता हूं, आइए सर, इसके नाम में तो कुछ नहीं है बट इसके टैग में यहाँ दिख रहा है ना, टैग दिखा दिया आपको, टैग में ज्वाइन दिखा दिया ना सर, हाँ जी हाँ जी, यार टैग जी हो गया। दूसरी चीज, जैसे मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, जैसे इसमें मैं कर्सर लेके जाऊंगा तो कर्सर जाते ही दिखा दिया टाइटल दिस इज पावर बीआई सैंपल डेटा सब्जेक्ट क्लास 9:30 करने की जरूरत है सर? हाँ, नहीं अब नहीं, आगे सर आपके मन में कोई ऐसे डेटा जो कि इम्पोर्टेंट है बट अभी नहीं, इन फ्यूचर में इसको यूज कर सकते हो और इन फ्यूचर में आप इसके फाइल का नाम लोकेशन भूल सकते हो, तो उस केस में आप उस फाइलों की प्रॉपर्टी मेंटेन कर दे, उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाल दे ताकि सर्च में या फिर उसको देखने के लिए आपको उस पर कर्सर रखने ही पता चल जाए। ओके सर, हाँ जी, डाउट इसमें नहीं, इसमें चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, अगला ऑप्शन आता है, ये तो हो गया, अब अगला ऑप्शन की बात करते हैं, अब इसमें अगला ऑप्शन आता है, उससे पहले एक चीज और आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, आपके सिस्टम में फाइल तो बहुत होंगे और उस फाइल को ओपन करने के लिए नेविगेट करने की आपको काफी दिक्कत होती होगी। अब ऐसा एक सर्वे में पाया गया है कि हम अपने ऑफिशियल टाइम के 30% टाइम सिर्फ रिपोर्ट फाइल और रिपोर्ट को ढूंढने में लगा देते हैं। तो मैं क्या करता था अपने ऑफिशियल टाइम में कि मैं हर फाइल का एक डेटाबेस तैयार करता, कैसे, जैसे कि यहाँ पे डेट, फिर फाइल नेम, फिर लोकेशन, किसके लिए बनाया था और किसको भेजा था, ऐसी इंफॉर्मेशन डाल देते, तो यहां से लोकेशन डाल देते थे पूरा और भी इंफॉर्मेशन डाल देते थे। तो आगे चल के हम क्या करेंगे कि जब भी हम अपनी हमारी जो फाइल होगी उसको ओपन करेंगे और ओपन करते समय इसका आप जो है आसानी से भूल सकते हैं। अगर आप कभी छुट्टी पे चले गए, आपके जगह पे कोई और पर्सन आ गया, तो वो भी जो है
आपको बार बार फोन करके परेशान नहीं करेगा कि विक्रम जी फलाना फाइल कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, राइट सर? हाँ जी। जिस दिन आपको हैंडओवर देना हुआ तो आपको दिक्कत नहीं होगा, मान जॉब छोड़ के अगर या फिर स्विच ही कर रहे हैं या फिर एक एक टीम से दूसरे टीम में जा रहे हैं तो वहां पे आपको जो आपका जगह पे काम करेगा उसको इजीली से आप एक्सप्लेन कर सकते हो अगर लिस्ट हुआ था। अब यहाँ पे दिक्कत आती है कि मेरे पास तो ऑलरेडी 2-3 हजार से ऊपर फाइलें हैं और सबका डेटाबेस कैसे करूं? इसका दो सजेशन है। एक तो अभी से आज से जो फाइलें आप बना रहे हैं उसकी आप यहाँ पे लिस्ट करते चले जाओ। अच्छा। उसके बाद दिन के आधा एक घंटा निकालो और यहाँ पे 10-20 फाइलों का एंट्री कर दो। इससे एक फायदा ये होगा कि आपके सिस्टम में जो अननेसेसरी फाइलें होगी वो आप डिलीट कर सकते हो आराम से, ड्राइव बाई फोल्डर बाई फोल्डर आप खुद कर सकते हो। ठीक है सर? हाँ जी। चलिए आगे बढ़े। तो फाइल की प्रॉपर्टीज के बाद हम बात करते हैं इसमें, और प्रॉपर्टीज में जैसे कि यहाँ पे सेव है, फाइल को सेव कर सकते हैं। तो सेव करते समय ध्यान रखिएगा कि आपकी जो फाइल है वो फाइल हमेशा एक्सेल वर्कबुक में सेव होती है। अब एक चीज का हमेशा आप अपने माइंड में रखिएगा कि आपके फाइल में किसी तरह का कोडिंग है या रिकॉर्ड मैपर किया या फिर तुमने कोड किया, तो कोडिंग वाली फाइल, वीवी कोडिंग वाली फाइल को कभी भी आप एक्सेल वर्कबुक में सेव नहीं करेंगे। किसमें करेंगे? माइक्रो अनेबल वर्कबुक। एक्सेल वर्कबुक माइक्रो डिसेबल फाइल होती है। अगर आपने ऐसा किया तो सारे के सारे माइक्रो को डिलीट कर देगा, खत्म कर देगा। तो यहाँ पे माइक्रो अनेबल वर्कबुक आप यूज करेंगे। तो अगर हमारे पास खाली मैक्रो नहीं, खाली फॉर्मूले हैं तो XLSX चलेगा, फर्स्ट ऑप्शन चलेगा ना। उसके अलावा पीडीएफ में करना है तो आप पीडीएफ में कर सकते हैं, पीडीएफ तेज बनानी है इसके हम आगे भी डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैंने समझा दिया। प्रिंट की सेटिंग बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे हम जब आप पेज सेटिंग की कोर्स कराएंगे, ठीक है ना। बाकी इसमें कोई खास नहीं। अब बात करते हैं ऑप्शन। अब आप बोलेंगे कि सर मेरी पहली या दूसरी क्लास है पर आप मुझे ऑप्शन एक्सेल ऑप्शन सिखा रहे हैं, सेटिंग सिखा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जब भी हम कोई नई चीज लेते हैं तो उसका सेटिंग हम अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। मान लीजिए आप एक नया फोन ही खरीदते हो तो उस फोन की जो सेटिंग होती है, वॉल पेपर होता है, रिंग टोन होता है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं, राइट सर? हाँ जी सर। क्यों? क्योंकि आप उसको अपने एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सके, मतलब कि अपने सुविधा के अकॉर्डिंग। पहले जो सेट होते हैं उसमें वायरलेस सब पहले से डिफॉल्ट होता है, रिंगटोन वॉलपेपर सब कुछ सेट होता है। तो यहां भी ऐसे ही चीजें हैं, कुछ सेटिंग जो है हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है या फिर हमें उसको चेंज करने से बेनिफिट होता है। फर्स्ट ऑफ कि आपके पास डिफॉल्ट फॉन्ट कैलिब्रेटिंग होता है, राइट? आप हर फाइल में अलग अलग फॉन्ट डालते हो या फिर मान लीजिए कि आप कैलिब्रेटिंग नहीं कि कॉमन फॉन्ट डालते हो तो यहां पे आप अपना फॉन्ट सेट कर सकते हो। जो फॉर्म आप यहां सेट करोगे वही आपके हर एक नई पुरानी फाइल का डिफॉल्ट फॉन्ट बन कर आ जाएगा। लेकिन जो फॉन्ट आप चेंज कर चुके हो ना सर उसमें सेम रहेगा, ये नई की बात हो रही है, कभी भी नई पे आपका ऐसा है। अब इसमें एक चीज है, फॉन्ट जैसे इसका यूज हमने किया था एक बार कि सही भाग में मैं गया था और मैंने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है। मैं बोला कि मुझे हिंदी टाइपिंग में प्रॉब्लम होती है क्योंकि मुझे हर सेल के लिए अलग अलग हर बार फॉन्ट चेंज करना पड़ता है, यहां से हर सेल के लिए फॉन्ट चेंज करना पड़ता है। हमारा इंग्लिश में काम 10% होता है, 90% काम हिंदी में होता है। तो ऐसा कुछ बताइए कि मेरा डिफॉल्ट फॉन्ट हिंदी रहे, तो मैंने बोला आप यहाँ से डिफॉल्ट फॉन्ट जो है हिंदी कर लीजिए, हिंदी रहे, चेंज कर लीजिए। उसके बाद फॉन्ट की साइज, कि आपके फॉन्ट की डिफॉल्ट साइज क्या होनी चाहिए, व्यू नॉर्मल व्यू होना चाहिए कि ऑल व्यू होना चाहिए, जो 3 व्यू होते हैं ना सर। उसके बाद हाउ मेनी शीट्स,
देखिए इसमें जब भी नई सीट नई फाइल लेते हैं तो हमारे पास तीन या एक शीट्स होते हैं, आप यहां से इसको चेंज कर सकते हो कि कितने शीट्स होने चाहिए। उसके बाद यहां आता है ऑथर नेम। ऑथर नेम क्या होता है, जैसे कि थोड़ा पहले बताया कि किसी भी फाइल पर हम कर्सर रख के पता कर लेते हैं कि इस फाइल को किसने बनाया, आईपीटी एक्सेल स्कूल ऑथर। तो क्या होता है डिफॉल्ट आपके एक्सेल में ऑथर जो होता है वो आपका यूजर नेम होता है, लॉगिन आईडी होता है। तो लॉगिन आईडी तो ऑफिस में जैसे यूजर वन यूजर टू एडमिन और कुछ इस तरह के होते हैं अनस्टैंडेबल, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से यूजर नेम डाल सकते, ठीक है सर। हाँ जी। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें स्किप क्यों कर रहा हूँ, कुछ चीजें बता रहा हूँ कुछ चीजें नहीं बता रहा, क्योंकि ये सेटिंग है, जो चेंज करने से बेनिफिट होगा वही समझना चाहिए ना आपको। हाँ जी। जो डिफॉल्ट रहेगा उसको क्या करना है जी। ऐसी फॉर्मूला बार में आते हैं तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर दूं जो एबीसीडी आपको दिख रहा है ना सर, हाँ जी, 1 2 3 हो जाएगा, देखिए रो भी 1 में 1 2 में और कॉलम भी 1 2 में हो जाएगा। Okay. उसके बाद अनेबल एरर बैकग्राउंड चेकिंग एरर सॉरी अनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग। इसमें क्या होता है कि कभी भी कोई फॉर्मूले में या फिर कुछ टाइप करते समय कुछ गलत होगा तो आपको इस तरह का ब्लू कलर का सिंबल दे देगा, और इसमें जो है आप अपने हिसाब से यह एरर देगा कि इग्नोर कर देंगे तो इग्नोर हो जाएगा, लेकिन फिर कहीं और टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको वापस आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, तो पूरी फाइल किसी भी फाइल में इस तरह का बॉर्डर और ना दिखे, तो या फॉर्मूला में जाके इसको अनचेक कर सकते हैं, ठीक है। डेटा में चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। प्रूफिंग, प्रूफिंग में यहाँ आपका ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे शॉर्टकट्स बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया हुआ है डीएस लिखा तो डेली सेल्स रिपोर्ट, अब एक्सेल किसी भी एक्सेल फाइल में मैं डीएस लिख के स्पेस मारूंगा तो डेली सेल्स रिपोर्ट आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने बना रखा है। ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे अपना शॉर्टकट लिख दीजिए और यहाँ पे आप रख दीजिए अपना जो इसके रिप्लेस करना चाहते हैं और यहाँ ऐड कर, तो होगा क्या कि अब वो वर्ड आप किसी भी एक्सेल फाइल में लिख के टाइप करेंगे और स्पेस मारेंगे अपने आप कन्वर्ट होगा। तो इसका यूज होता है कुछ ऐसे वर्ड या कुछ ऐसे सेंटेंस हमें बार बार लिखने होते हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ सेंटेंस ऐसे जो कि बार बार लिखने हैं उसकी स्पेलिंग मेरी तरह भूल जाते हैं आप, तो इसका यूज कर सकते हैं। ओके ठीक है सर। जी सर। अब इसमें एक चीज और भी होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे तो ईमेल आई लिखा kumar@ipindia.com, इससे क्या होता है कि कोई भी वेबसाइट या फिर ड्राइव का एड्रेस लिखेंगे तो इसपे हाइपरलिंक ऑटोमेटिक लग जाता है। हाँ जी। अब कोई डेटा एंट्री आप कर रहे हैं इस तरह का लिंक लग जाएगा तो थोड़ा सा इरिटेट होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को सिलेक्ट करना है तो क्लिक हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो दो चीजें हैं, एक तो आप टाइप करके कर लिए जहां से हटाना है उसको सिलेक्ट करें, यहां पे आता है क्लियर हाइपरलिंक्स, आपके हाइपरलिंक्स को क्लियर कर देता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं पूरी एप्लीकेशन में ऐसी प्रॉब्लम चाहता ही नहीं, मैं कहीं भी टाइप करूं तो ऐसी प्रॉब्लम हो ही ना, तो सेम ऑटो करेक्ट ऑप्शन में यहां ऑटो फॉर्मेट एज टाइप पे गए और यहां से अनचेक करें। अच्छा, मतलब कहीं भी आपको टाइप करेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है सर। ये सर स्पेसिफिक टू ये वर्कबुक ही है ना खाली जो हमने ऑप्शंस करे? नहीं, अब पूरी ऑल एप्लीकेशन जो हमने सेटिंग किया है पूरी एप्लीकेशन की सेटिंग हुई है किसी एक फाइल की नहीं। ओके, वो तो फिगर बड़ा है ना, क्योंकि हम एक्सेल ऑप्शन के अंदर कोई भी सेटिंग करते हैं पूरी एप्लीकेशन के लिए होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। आपने एक गलती कर ली, आज सेशन को आपने रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्डिंग हो चुकी है सर, मैं कर रहा हूँ, आपका नहीं हो रहा सर। रिकॉर्डिंग ये आर प्लेस करना होता है सर। तो मुझे पता नहीं, मुझे लगा कि आप लिंक भेज देते हैं रिकॉर्ड करने के बाद। ऐसे ही आप पिछले बार तुमने किया था, ऐसे ही किया था ना, अल्ट आर प्लेस किया था? नहीं, आपने खाली मुझे बाद में लिंक भेज दिया सर।
नहीं नहीं आपने लिंक भेजा था मुझे तो ये सर सेव कहाँ होता है मेरी लोकल ड्राइव में सेव होगा आपके लोकल ड्राइव के यहाँ पे अगर रिकॉर्ड करते हैं तो डॉक्यूमेंट के अंदर आपको जून नाम का फोल्डर मिलेगा इसके अंदर सर वो मत करो क्योंकि मेरी ना इस लैपटॉप में बहुत ज्यादा स्पेस है नहीं आप डेली हटा दीजिएगा तो मैं अगर आप मुझे लिंक भेज देंगे वो चलेगा नहीं सर क्या आपके